सो गाइस आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले पोको A5 को पोको X6 प्रो के साथ। तो इसके पिछले वाले जो वीडियो था मैंने बनाया था पोको X6 प्रो के ऊपर, जो कुछ प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिला था फोन के ऊपर उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, कुछ चीज़ बताया था ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कॉमेंट पर बहुत सारा नेगेटिव कॉमेंट किया, कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी किया, लेकिन यार कोई भी चीज़ ना जानकर भाई उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने यूज़ किया है फोन को, यूज़ करने के बाद ही वो वीडियो बनाया और उसके ऊपर मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन गाइस ये फोन के अंदर ये वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले पोको A5 को X6 प्रो के साथ और देखने वाले गाइस कौन सा ज़्यादा बेटर है गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, फोटो वगैरह क्लिक करना है भाई उसके साथ आपको गेमिंग चाहिए और बैटरी बैकअप को लेकर हम लोग बात करने वाले। उसके साथ गाइस कौन सा फोन में ज़्यादा स्मूथनेस के साथ आप लोग गेमिंग कर सकते हैं, FPS कौन सा फोन में कैसा मेंटेन करता है और एक ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग अपना फोन का स्मूथनेस स्कोर भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग दोनों फोन में से कोई वगैरह न्यू या फिर सेकंड हैंड परचेस करना चाह रहे हो तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो और ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो ज़्यादातर बंदे दोनों ही फोन को परचेस करना चाहेंगे भाई गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, फिर गेमिंग परपज से। सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, लुक एंड डिज़ाइन, चार्जिंग वगैरह के बारे में बाद में बात कर लेंगे क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस का। तो भाई सबसे पहले ना आप लोग ये जान लेते कि दोनों ही फोन के अंदर कौन सा आप लोग को प्रोसेसर देखना मिलता है और कितना ट्यूटी स्कोर देखना मिलता है वो तो आप लोग फोन परचेस करके देख ही लोगे, फिर मैं यार बता देता हूँ। सो अगर हम लोग देखें पोको A5 का इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो अगर आप लोग स्कोर वगैरह सब कुछ देखें तो ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 जैसे आप लोगों को पावरफुल देखने को मिलेगा। ये फोन के अंदर हम लोग कंट्रोल स्कोर देखने को मिलता है 11.5 लाख का हम लोग कंट्रोल स्कोर देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर देखें भाई पोको X6 प्रो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा मीडियाटेक का फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसके अंदर 13 लाख के ऊपर कभी कभी 14 लाख का भी स्कोर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर दोनों के अंदर देखें ज़्यादा पावरफुल तो यहाँ पर स्कोर के हिसाब से या फिर रियल लाइफ में भी दोनों में से ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा है जिसके अंदर 14 लाख कंट्रोल स्कोर देखने को मिलता है। ओवरऑल भाई गीगबेंच वगैरह के स्कोर भी ज़्यादा निकल जाता है। तो फिर तो एलेक्स भाई यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा तो हम लोग को पोको X6 प्रो ही लेना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। रुको तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि मीडियाटेक का प्रोसेसर हमेशा चीप प्राइस के अंदर देखने को मिलता है और स्नैपड्रैगन का प्राइस महंगा होता है, वो क्यों होता है तो चलो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एंटीट्यूड स्कोर, ज़्यादा गीग बेंच वगैरह हम लोग को जो पोको X6 प्रो के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन किसी अगर हम लोग बात करें भाई लॉन्ग टर्म गेमिंग का, सो भाई लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए भी पोको X6 प्रो बेटर है अगर आप लोग 7-8 घंटा गेमिंग कर दो तब। लेकिन अगर 2-3 साल यूज़ कर रहा है, हमने देखा है जो भी मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है लॉन्ग टर्म तक परफॉर्मेंस ड्रॉप कर ही देता है और परफॉर्मेंस उतना फास्ट जैसा देखने को नहीं मिलता है। स्नैपड्रैगन भी ड्रॉप करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो मैंने दोनों ही फ़ोन के अंदर गेमिंग किया है लेकिन जैसे अगर लॉन्ग टाइम गेमिंग की बात करें 3-4 घंटा गेमिंग करने के बाद ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हम लोगों को पोको X6 प्रो के अंदर देखने को मिला है, ज़्यादा स्मूथनेस हम लोगों को पोको X6 प्रो के अंदर देखने को मिला है। लेकिन टच रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर हम लोगों को पोको A5 के अंदर देखने को मिला है। EMS ज़्यादा अच्छा वर्क करता है पोको A5 में, हेड ज़्यादा कनेक्ट होता है पोको A5 में और ओवरऑल गाइस आप लोगों को खेल के मज़ा आएगा मैं बोलूँगा पोको A5 में। X6 प्रो के अंदर भी बहुत ही स्मूथ चलता है लेकिन मीडियाटेक का प्रोसेसर हमें मैंने देखा है। तो मैंने दोनों का ही डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें भाई पर हीटिंग इशू में बाजी मार लेता है भाई पोको F5 क्योंकि पोको X6 प्रो के अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटिंग देखने को मिलता है जो कि 45-46 डिग्री नॉर्मल भी चला जाता है। काफ़ी बार स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो भाई हमेशा 45-46 डिग्री रहेगा अगर आप लोग कूलर वगैरह यूज़ ना करते हो तो, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। और पोको F5 भी बहुत ही हीट मैनेजमेंट करता है ऐसा नहीं लेकिन भाई कर लेता है, 43-42 के ऊपर नहीं जाता है। मैंने दोनों का ही गेमिंग टेस्ट वीडियो डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लेना उधर का है। ये जगह पे मैं 100% कह सकता हूँ कि पोको X6 प्रो को थोड़ा हीट मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ही करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई दोनों ही फ़ोन के अंदर इन गेम परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है तो गेमिंग टेस्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन मैं अगर बताऊँ भाई एक वीडियो के अंदर सब कुछ इतना पता नहीं चलता अगर एक्सप्लेन मैं ना करूँ तो दोनों फ़ोन का अगर गेमिंग टेस्ट अगर आप लोग देखते हो लॉन्ग टाइम के लिए अगर गेमिंग करते हो भाई तो तुम भाई नॉर्मल गेमिंग करो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग करो, ज़्यादा बेटर FPS के साथ चलेगा पोको X6 प्रो। लेकिन दोनों के अंदर ही थोड़ा जिटर देखने को मिलता है, कभी कभी लैग भी देखने को मिलता है लेकिन पोको X6 प्रो के अंदर ज़्यादा स्मूदर और लैग भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भाई पोको F5 में चीज़ फिक्स होगा, कैसे होगा भाई
दोनों ही फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है, दोनों ही फ़ोन के अंदर हम लोग को एक ट्रिक्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से 100% फिक्स होगा, कोई रूट करना नहीं पड़ेगा। और 100% ये अगर फिक्स ना हुए तो मैं आप लोग मुझे कॉमेंट पर तब गाली देना, मैं मान लूँगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी ट्रिक से मैं बता दूँगा, आप लोग कॉमेंट जरूर करना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा। और 100% आपका लैग जो है ना कोई भी EMI का डिवाइस का, वहाँ पर प्रॉब्लम जो होता है लैग का, वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो चलो भाई, अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस तो बेटर हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन यार बैटरी बैकअप कौन सा फोन का ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ भाई, यहाँ पर आप लोग को बैटरी बैकअप ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा पोको F5 का। मैंने भाई स्क्रीन ऑन टाइम तो फोन के अंदर नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी मैंने गेमिंग किया था 45 मिनट गेमिंग करने के बाद, पोको F5 के अंदर 90 FPS इनेबल करने के बाद मेरे को बैटरी ड्रेन देखने को मिला था 10% ऐसा कुछ, और 13% से ज़्यादा 13% लगभग बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था पोको X6 प्रो के अंदर सेमी ग्राफिक्स पर। तो यहाँ पर भाई ज़्यादा बैटरी यहाँ पर आप लोग एफिशिएंट बोल सकते हो पोको F5, क्योंकि इसके अंदर एक फुल HD+ डिस्प्ले है और 1.5K रिजोल्यूशन वाला आप लोगों को पोको X6 प्रो के अंदर देखने को मिलता है, तो एक रीजन है। और थोड़ा सा पोको X6 प्रो ज़्यादा ओवरहीट भी हो जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग बोल सकते हो। और एक भाई बात है, जो कि अगर आप लोग चार्जिंग करते हो यूज़ करते करते, तो आप लोग को ज़्यादा फास्ट चार्जिंग यहाँ पर पोको F5 के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ एक एडवांटेज लेके जाता है पोको F5, और वो चार्जिंग के टाइम पे ज्यादा ओवरहीट भी नहीं होता। तो उस गेमिंग टेस्ट वीडियो के अंदर मैंने दिखा भी दिया था भाई कि फोन के अंदर टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचे, आप लोग जाकर जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, इसके बाद आपको भरोसा होगा, ठीक है, X6 प्रो के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई कैमरा का, तो कैमरा सीधा भाई ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है पोको X6 प्रो के अंदर। फोन से अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे भाई तो आप लोग को मतलब क्या ही बताओ, जो पोको F5 उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश टोन देखने को मिलता है और थोड़ा सा ज़्यादा कलर ज़्यादा बूस्ट करके निकल कर था, ऐसा देखा है मैंने, लेकिन पोको X6 प्रो के अंदर ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छे फोटोज़ काफ़ी अच्छे वीडियोस निकल कर आता है, जो कि दोनों में ही 60 FPS फ्रंट कैमरा में है, लेकिन ज़्यादा बेटर आप लोग को पोको एक बहुत ही ज़्यादा बेटर फ्रंट कैमरा में वीडियो अगर रिकॉर्ड करते हो, डे लाइट में आप लोग व्लॉगिंग करते हो, ज़्यादा बेटर पोको X6 प्रो के अंदर देखने को मिलेगा कैमरा में। ओके, तो ये सब जो बेसिक पॉइंट था हमने कंपेयर कर दिया, अभी भी बहुत सारी चीज़ बाकी है जो कि जानना आपके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। तो यहाँ पर भाई पोको X6 प्रो के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, और ये चीज़ मैं आप लोग एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। जो लोग बता रहे थे कि पोको X6 प्रो के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, तो भाई पोको कैसे यहाँ पर मार्केटिंग कर रहा है समझो। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर पोको X6 प्रो का कुछ लोगों ने कमेंट किया था, ऑप्शन आप कमेंट भी किया था कि भाई ये तूने क्या बताया, सही नहीं बताया क्या भाई, दो दिन के यूट्यूबर ये सब। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ भाई, अगर तुम्हारा भलाई के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर तुम लोग को सही ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं भाई, जिन लोगों का लग रहा है, जिन लोगों का भलाई हो रहा है, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। लेकिन इसको छोड़कर अगर बात करें भाई, मैं आप लोगों को अगर बता दूँ रियलिटी, सो पोको में तुम लोग को कौन कौन सा डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिला, पोको पोको X3 प्रो, पोको X3 के अंदर पोको X3 का कैमरा डेड हो गया, पोको X2 प्रो का या फिर X2 का कैमरा डेड हो गया, पोको X3 प्रो का मदरबोर्ड डेड हो गया, लेकिन यहाँ पर वारंटी 2 साल का काम मिल रहा है जिस सीरीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पोको F4, पोको F5, पोको F6, ठीक है। तो ये सब फ़ोन के अंदर 2 साल का वारंटी मिल रहा है, जहाँ पे उन लोगों को बताया कि ये सब फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, तो ये सब फ़ोन को सेल कर रहे हैं ज़्यादा प्राइस के अंदर, और लो प्राइस में पोको X3 लॉन्च कर रहा है, और भाई इसी फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, समझे। तो ये चीज़ भाई तुम लोग को समझो तुम लोग कि ये पोको X6 सीरीज़ के अंदर क्यों वारंटी नहीं दे रहे हैं, और पोको का भाई मदरबोर्ड डेड हो जाता है, आप लोग एक बार सर्विस सेंटर पर जाना, क्या क्या लोचा आपको उठाना पड़े उसके बाद आप लोग समझना। मैं 2 बार गया था और इसलिए मेरे को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और कुछ बंदी यहाँ पर बता भी रहे हैं कि उनका भाई यहाँ पर फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, तो किसी का अगर पोको X6 प्रो फिर कोई भी पोको का फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट होना स्टार्ट हो गया, दिन में एक बार, 2 बार या फिर 2 दिन में एक बार, जल्द से जल्द सर्विस सेंटर में लेके जाओ, ये भाई फ़ोन डेड होने का पहले चेतावनी है। तो ये चीज़ भाई मैं 100% बोल सकता हूँ, अगर किसी के फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, और भी बहुत सारे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बहुत सारा हीटिंग इशू ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब पोको X3 के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो भाई पोको X3 प्रो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जब मेरे को गाली मिला था, गाली सुनने को पड़ा था, लेकिन बाद में यार जब डेड हो गया वो लोग कमेंट करने नहीं आए। तो यही भाई, तुम लोग कमेंट करो ना करो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, गाली बको जो भी बको तुम्हारा मर्ज़ी। सबसे पहले तो भाई एक बात समझो कि फ़ोन तुमने परचेस किया है, ठीक है, पैसा तुम्हारा है, फ़ोन तुम्हारा नहीं है। तो भाई कंपनी अगर तुमको ख़राब फ़ोन दे दे ये वो बोल के भाई, उसके बाद फ़ोन डेड हो जाए तो किसका लोचा, मेरे को फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने बोला आप लोग को, ठीक है। लेकिन यार जो भी लोग यहाँ पर बता रहे थे कि फ़ोन के अंदर मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, रुको यार अगर नहीं आ रहा है तो अच्छा है, कोई बात ना, तो आप लोग वीडियोग्राम देखो, ठीक है, क्यों देख रहे हो।
तो चलो यार और कोई कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करना। और 5G जो प्रॉब्लम है ना, 5G फ्लैक्चुएशन का, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना कि इतना सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा भाई। फोन तो तभी लॉन्च हुआ और 22-30 हज़ार एक एक वीडियो में व्यूज़ देखने को मिलेगा, तो प्रॉब्लम लोग को आ रहा है, इसलिए लोग सर्च कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो चलो यार, और क्या मेरे को जो बताना था मैंने आप लोग बता दिया। मिलती इससे भी ज़्यादा कोई बढ़िया सा कॉन्टेंट के साथ। थैंक्स वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय।